महाराष्ट्र की 17 सीटों पर कल चौथे चरण के तहत वोट डाले गए। मुंबई में सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक हर फिल्मी सितारे वोट डालने निकल पड़े। वहीं बॉलीवुड स्टार्स ने वोट डालने के बाद अपनी अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की और अपने फैंस से वोट की अहमियत और वोट डालने की अपील की। लेकिन इसी बीच कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत कहां पीछे रहने वाली थी। राखी सावंत ने भी वोट डाला, लेकिन उन्होंने वोट डालने के बाद सरकार को ही धमका दिया। राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने वोट देने के बाद चुने जाने वाली पार्टी को चेतावनी दी और कहा कि सरकार बनने के बाद वो सभी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी सावंत और मैं आज ये वोट कर आई हूँ। और जिस भी पार्टी को मैंने वोट दिया है, उसको मैं खुली चेतावनी देना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल करप्शन पसंद नहीं, सिस्टम में रहना पसंद है और बिल्कुल भी यहाँ गुंडागर्दी नहीं चाहिए किसी की। हमने आपको वोट दिया है, आपको जिताया है और मुझे पता है कि जिसको ये वोट दिया वही जीतने वाला है, तो मैं कहूँगी नहीं किसको दिया है। और लोखंडवाला की जो मार्केट है थोड़ा सस्ता करो और बिल्कुल करप्शन नाम की कोई चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। बारिश आने वाली है अभी, तो जितने भी वहाँ पे ड्रेन है, कूड़ा कचरा वगैरह है, सब साफ करवाओ। मुझे रोड क्लीन चाहिए, ओके, मुझे रोड क्लीन चाहिए। मैंने आप लोग पे भरोसा करके ये मैंने वोट दिया है। अगर आप मुझे बिल्कुल भी गड्ढे खाली नहीं चाहिए, पानी में भरे हुए, बारिश में हमको तंग नहीं होना चाहिए। तो जिस उंगली से ये वोट दिया है, उंगली का प्रयोग मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, तुम्हारे घर में घुस के, समझ गए, तो वोट दिया है। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद राखी सावंत को यूजर्स ने ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, हमें भी तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चाहिए, तुम चुप रहा करो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हालांकि कुछ यूजर्स ने राखी को साहसी महिला भी बताया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।